मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। अगर गाइज आप भी you know, एक बेस्ट वाइब्स की तलाश में हैं, तो ये वाला वाइब मैं अभी आपको पहले ही बता दूँ, ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है। मैं जस्ट इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि दिस वन इज द बेस्ट आउट देयर इन द मार्केट टिल नाउ, बिकॉज मेरी बेबी अभी 11th मंथ में आ गई है और अभी तक मैं बहुत से एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ, बहुत से वाइप्स यूज़ कर चुकी हूँ। मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस एज के लिए कौन सा वाइप ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन में डाल दूँगी, आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने उस वाली वीडियो में भी इस वाले को शो किया था और मैंने बताया था कि दिस वन इज़ नंबर वन फ्रॉम माई साइड। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं मदर स्पर्श के जो 98% जो वाटर वाइप्स हैं इनके बारे में। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक और मेरे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज हम बात करेंगे मदर स्पर्श के जो वाटर वाइप्स हैं, दीज आर 98% वाटर वाइप्स, दीज आर पैराबेन फ्री, ये अल्कोहल फ्री हैं, ये हाइपो एलर्जेनिक हैं और पीएच बैलेंस्ड हैं। एंड ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, आप देख सकते हो ये ब्लू वाइट कलर की पैकेजिंग है। एंड जो इसका प्राइस है गाइज, वो है अराउंड 188 रुपीज़, इन्होंने काट के यहाँ लिखा है 188 रुपीज़, मीन्स इस पर 20 रुपीज़ का ऑफ था ये वाले पैक पे। एंड गाइस, सबसे बड़ी चीज़ जो इनकी है वो है, ये है प्लांट बेस्ड फाइबर्स, ये प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं उससे बना है, दैट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली। एंड ये वाले जो वाइप्स हैं दे आर 100% बायोडिग्रेडेबल, मीन्स ये बायोडिग्रेड हो जाएंगे, रिसाइकल तो नहीं बोल सकते बट येस बायोडिग्रेड हो जाएंगे। एंड एक और चीज़ जो है, दीज आर क्लिनिकली प्रूवन फॉर प्रिवेंटिंग डाइपर रैश। तो अगर आप अपने बेबी को डाइपर्स में रखते हैं, मैं भी अपने बेबी को पिछले 10 महीने से वो डाइपर्स पे ही है, कोई ऐसा दिन नहीं है जब वो डाइपर्स पे नहीं थी। तो अगर आपने मेरा डाइपर वाला वीडियो भी नहीं देखा है जिसमें मैंने सारे मिथ्स मिसकंसेप्शन सारे बर्स्ट किए थे, तो अगर आपने वो वाला वीडियो भी देखा है तो मैं उसको भी यहाँ पे आई बटन में डाल दूँगी, आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो। उसमें मैंने बताया है कि किस एज के हिसाब से कौन से ब्रांड का डाइपर, किस साइज़ का डाइपर बेस्ट रहेगा, सो आप प्लीज़ वो वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो। बात करेंगे कि इसके बारे में, तो इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ये डायपर रैश को भी प्रिवेंट करता है एंड दैट इज़ क्लिनिकली प्रूवन एंड दिस इज़ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, आई गेस मैंने ये आपको बता दिया। अब जो इसके इंग्रेडिएंट्स है गाइज, वो है प्योरीफाइड वाटर, इसके अंदर है फिनॉक्सीइथेनॉल ट्राई इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसके अंदर है फिनॉक्सीइथेनॉल एंड इथाइल हेक्साइल ग्लिसरीन, इसके अंदर है ग्लिसरीन, इसके अंदर है एलो लीफ का जूस एंड कैमिलिया ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट, कैमोमीला का फ्लावर एक्सट्रैक्ट, कैलेंडुला का ऑफिशियल फ्लावर एक्सट्रैक्ट एंड लेवेंडुला का भी एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, एंड इसके अंदर फ्रेग्रेंस भी है। सो ये गाइज दो टाइप का आता है, अगर आपको फ्रेग्रेंस फ्री चाहिए तो फ्रेग्रेंस फ्री भी इन्होंने लॉन्च किया हुआ है अभी लेटेस्ट, बट दिस वन इज़ विद फ्रेग्रेंस एंड आई लव द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस वन, इसकी फ्रेग्रेंस बेस्ट है टिल अभी तक जो भी मैंने यूज़ किए हैं। मैंने पैम्पर्स यूज़ किया है, जॉनसन यूज़ किया है, डव का यूज़ किया है, मैंने ममा अर्थ का यूज़ किया है, ममा अर्थ का थोड़ा ज़्यादा वेट नहीं है। एक्चुअली ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वाइप्स वाली वीडियो में बताई है, कौन सा ज़्यादा वेट है कौन सा नहीं है, हिमालय वाला मैंने उसमें बताया है। बट ऑन एंड ऑल मैं बात करूँ तो ये वाले जो वाइप्स हैं दीज आर द बेस्ट टिल नाउ, बिकॉज ये परफेक्ट वेट हैं, जितना वेट एक वाइप को होना चाहिए ये उतने ही वेट हैं, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। जैसे जॉनसन के जो वाइप्स हैं दे आर गुड बट वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में वेट होते हैं, तो अगर आपका बेबी लिक्विडी पूप करता है तो वो क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, हार्ड और स्टिकी पूप्स के लिए वो ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत ही परफेक्टली वेट है, आप इससे स्टिकी रनिंग पूप सब से आप क्लीन कर सकते हैं। एंड ये फेस के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप बेबी का फेस क्लीन करना चाहते हैं, जैसे बच्चे सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं तो फेस इधर उधर गंदा कर देते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो बेबी के फेस क्लीनिंग के लिए एंड डायपर एरिया को भी क्लीन करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। बेसिकली डायपर क्लीनिंग के लिए ही वाइप्स ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, मैं बेबी के फेस पे भी यूज़ करती हूँ जब मुझे शाम को लगता है कि हाँ
अभी थोड़ा यू नो गंदा हो गया है फेस, जैसे इधर उधर हाथ लग जाता है, डस्ट लग जाती है, तो एलर्जी और रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं. तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को बच्चे का फेस वॉश ना करने की बजाय उसको वाइप से क्लीन ऑफ करके देन क्रीम अप्लाई करके उसको सुला दें. इसकी शेल्फ लाइफ है वो है 2 ईयर्स. And so guys, for me, these are the best wipes. The only problem with these, जो मुझे feel होती है, अगर ये थोड़ा सा ठीक कर दे उस problem को तो बहुत अच्छा रहेगा. ये जो इसका seal वाला है, ये मुझे personally इसकी जो packaging है वो कुछ ज़्यादा pleasing नहीं लगी. कि इस तरह का you know peel करना पड़ता है इसको, and ये चीज़ कुछ time के बाद you know जो इसका मैंने जैसे इसको ओपन किया इतनी अच्छी खुशबू आई. आई जस्ट लव दीज वाइप्स. इवन आई यूज़ दीज यू नो जब भी आपको कभी फ्रेशनेस चाहिए होती है तब आप अपने लिए भी इनको यूज़ कर सकते हो. दे आर वेरी वेरी नाइस. एंड जो फ्रेग्रेंस है ना इसकी आई कांट एक्सप्लेन. अभी तक मैंने जितने वाइप्स यूज़ किए हैं उनमें सबसे बेस्ट जो मुझे फ्रेग्रेंस लगी है वो इनकी लगी है. बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है, आई कांट एक्सप्लेन. एंड द ओनली प्रॉब्लम अगर वो यहाँ पे एक प्लास्टिक कैप लगा दें जिससे यू नो जो वाइप्स हैं वो वेट रहेंगे टिल द एंड, मतलब लास्ट वाइप भी उस केस में वेट रहता है अगर यहाँ पे प्लास्टिक का कैप लग जाता है. मोस्टली अभी सारे ब्रांड्स वो कैप के साथ आ रहे हैं. पैम्पर्स तो आता ही है उसके साथ. अभी जॉनसन ने भी कैप उस पर लगाना शुरू कर दिया है. सो मदर स्पर्श, इफ़ यू कैन डू प्लीज़ यहाँ पे एक कैप लगा दीजिए सो दैट यू नो ये थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा. फिर इसके अंदर कोई कमी नहीं रह जाएगी. देन दिस विल बी द बेस्ट बेबी वाइप एवर यू नो डिस्कवर्ड इन इंडिया. So I love this one. So guys, that's all for today's video. I highly recommend you these vibes. So if you're in search of good vibes, go for these without giving any second thoughts because these are the best. So I hope आज का video आपको helpful लगा है. अगर लगा है तो please इसे कर दीजिएगा like और मेरे चैनल कर लीजिएगा subscribe. मैं मिलूंगी आपको अपनी अगली video में. तब तक अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें. Bye bye.